الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله هر يوم هر يوم هر يوم पंडित शिवनाथ जी हमारे पवित्र मंदिर में इन मुशलों की पांच वक्त की आजान जबरदस्ती घुसाती है। ये हिंदू जाति और हमारी परंपरा की तौहीन है महाराज। क्षमा कीजिए पंडित जी, क्षमा कीजिए। भगवान के लिए इस मुफ्ती आजम का कोई उपाय कीजिए महाराज। अस्सलाम वालेकुम। जज़ा जज़ा। अस्सलाम वालेकुम। जज़ा जज़ा। अस्सलाम वालेकुम। आइए इमामत कीजिए, आइए। ये कलयुग है, ये कलयुग है पंडित जी। कश्मीर पुर की बस्ती में हमारे धर्म के लोग ज्यादा हैं। अगर ये मुट्ठी भर मुसले इसी तरह हमारे धर्म का नष्ट करते रहे तो हम भगवान शंकर को क्या मुंह दिखाएंगे महाराज। मेरी आपसे विनती है, इस घोर समस्या का कोई हल तलाश करें। मूसा, आज मस्जिद की सफाई मैं करूंगा। नहीं जोजी, बाबा ने इस मस्जिद में झाड़ू देने की जिम्मेदारी मुझे सौंप रखी है। मूसा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार, मुझे भी कुछ सवाब हासिल कर लेने दो। नहीं जोजी, बात सवाब हासिल करने की नहीं, बात उस वादे की है जो मैंने अपने बाबा से किया था। दोस्त, आज इस बार का फैसला तुम्हारा सिक्का करेगा। मुझे मंजूर है। मस्जिद मेरी, चांद तुम्हारा। ठीक है यार, ये सिक्का तुम्हें कभी हारने नहीं देता। दोस्त, मस्जिद कभी हारती नहीं। तू तो जीत गया मूसा, अब मैं चलता हूँ। शाम को मेरी तरफ जरूर आना। खुदा खुदा। मूसा आया बाबा जान। जी बाबा जान। ये क्या है बाबा? इस लॉकेट पे तेरा नाम लिखा है मूसा, जो इस बात की शहादत है कि तू कलमा कू है। मैं चाहता हूं ये दुनिया जान ले कि जब तक फिरौन जन्म लेते रहेंगे, मूसा भी पैदा होते रहेंगे। दुनिया मेरा नाम जानकी क्या करेगी बाबा? दुनिया कुछ करे ना करे, तुझे बहुत कुछ करना है मूसा। मैं तेरे माथे से वो रोशनी फूटती देख रहा हूं जो कुफर के अंधेरों को उजालों में बदल देगी। मेरा दिल गवाही देता है मूसा, तू अल्लाह का सिपाही बनेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ बाबा, मैं अल्लाह का सिपाही बनूंगा। कौन है बालक? मेरा नाम मूसा है और मैं मुफ्ती आजम का बेटा हूँ। बालक, बाबा
बदाना, मारे मजहब का काज बिगाड़ा। नहीं ठाकुर, मूसा ने एक मजलूम लड़की की जान बचाकर अपना ईमान संवारा है। कमाल बे, इस लड़की का नाम शांति है और ये हिंदू जाति की कन्या है। ये जात पात पे गौर करना तुझे तेरे धर्म ने सिखाया है, और हर इंसान को इंसान समझना मुझे इस्लाम ने बताया है। बोलवी, थारा इस्लाम मारी बुद्धि नहीं बदल सकता। जानता हूं, जिस दिल पे खुदा कुफ्र लगा दे उस दिल पे कभी भी ईमान की दस्तक नहीं देनी चाहिए। मौलवी, तैं अपने बेटे को लेके यहां से चला जा। मारे को मारे धर्म की सेवा करने दे, चल जाने दे शांति को, तैं जा। ठाकुर, शांति नाम है अम्न का, और मैं किसी कीमत पर कश्मीरपुर की शांति को जलने नहीं दूंगा। आओ बेटा। अल्लाह अकबर। धन्य हो, धन्य हो विक्टर ओब्लैकी महाराज। हमने कश्मीरपुर को अपना मुस्तकिल अड्डा बनाने का फैसला कर लिया है। आ गई हमारी तीसरी ताकत। महाराज, हम आपके हैं तो कश्मीरपुर भी आपका है। जब भी हम पर कोई कष्ट की घड़ी आती है तो हमने हमेशा अंग्रेज बहादुर को याद किया है। पहले तो हम अपने धंधे के लिए कभी कभी आया करते थे, मगर अब हम मेहमान बनकर नहीं आका बनकर आए हैं। तय तो जान रहे हैं कि हम तो हमेशा से आप ही को अपना आका समझे हैं, पर पाकिस्तान में जब से फौज ने हुकूमत संभाली है काला धंधा करने वालों के लिए तो मुसीबत ही खड़ी हो गई है। तय तो बुद्धिमान है जो पाकिस्तान छोड़ के कश्मीरपुर आ गए। तय तो जान रहे हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो इलाका हुए है वो कश्मीरपुर कहलावे है, यानी कि जे कश्मीरपुर यानी कि नो मैन्स लैंड इलाका गैर, यहाँ पे किसी मुल्क का कोई कानून ना हुए है। तय जो कानून बनावे है वो ही हुए है। हीरोइन सोना चरस तय जो चावे समंगल हुए है भाई। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 3 दिन मैं स्मगलिंग करूंगा और 3 दिन विक्टर। परंतु एक घोर समस्या है जिसकी गुत्थी सुलझाए बगैर आप कश्मीरपुर में अपने चरण जमा ही नहीं सकते। प्रॉब्लम बताओ। महाराज, मारी बस्ती में मुट्ठी भर मुसलमान भी दबे हैं, हो सके है वो थारे शरीर का ये बोझ इस धरती पे बर्दाश्त ना करे। ठाकुर, ये मुट्ठी भर मुसलमान हमारी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। जहाँ ये तादाद में ज्यादा हो बेखबर हो जाते हैं, और जहाँ ये मुट्ठी भर हो वहाँ एक खुदा की शक्ति के सिवा किसी और शक्ति को मानते ही नहीं। पंडर, कश्मीरपुर की हर ईंट मुसलमानों के खून से भीग जाएगी, जो बच जाएंगे उन्हें कैद खानों के अंधेरों में धकेल दिया जाएगा। महाराज, तो फिर मैं मुसलमानों के एक महाशय का परिचय करवा दूं। नाम मुफ्ती आजम, मुसलमानों का लीडर बने। साल अजान देवे हैं तो कानों के पर्दे फटने को आवे हैं, तय उसकी अजान बंद करा दे बस। तो फिर आज के बाद कोई ऊंची आवाज में अजान नहीं देगा। मुफ्ती साहब, ठाकुर और उसके आदमी अजान बंद करने की साजिश कर रहे हैं। नऊज़ुबिल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं देखता हूं।
रमालवे बंद कर दे हमने थारे अजारात से। बदबخت 1400 साल पहले मक्का मुजमा से बुलंद होने वाली अजान ना कोई काफिर रोक सका है ना कयामत तक रोक सकेगा। मारे बाद मान ले मालवे हिंदू अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म मानने वाले कभी किसी काफिर की बात नहीं मान सकते। रमालवे ए बगर मस्जिद में अजान गूंजी तो हम कश्मीरपुर के मुट्ठी भर मुसलमानों को मिटा देंगे। तेरी तरह हर बड़ी ताकत हमेशा से मुसलमानों को मिटाना चाहती है, लेकिन याद रख हम मुस्तफा के मानने वाले हैं और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले मिट तो सकते हैं मिट नहीं सकते। ए मौलवी आहिस्ता बोल, आज हम तेरी मस्जिद की ईद से ईद बजा देंगे। शाबाश विक्टर, कश्मीरपुर की बस्ती से इन मुसलमानों के मजहब का निशान मिटावे। ना, ना, कोई बेदीन ये नहीं जानता कि अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करता है। याद रख जब तक मुफ्ती आजम के सीने में एक भी सांस बाकी है कोई इस मस्जिद को शहीद तो क्या एक ईंट भी जख्मी नहीं कर सकता। रमालवी चार इस मस्जिद का पीछा, मारी बात मान ले हमारे साथ मिल जा, थारो मारो झगड़ा अवश्य खत्म हो जाएगा। हिंदू आज मैं कह रहा हूं कल मेरे बाद मेरा कोई और रूप यही खड़े होके तुझे कह रहा होगा कि राम और रहीम के मानने वालों की ये जंग ना कभी खत्म हुई है ना कभी खत्म होगी। अल्लाह अकबर।
अब इकता मुसलमान तो पिपर गया भाई, इसको और इसकी मर्जी को छोड़ चल चले चल चल।
आवत है। माजी में हम दोनों ने एक दूसरे के साथ मायदा किया था, लेकिन तुम्हारे साथी उस मायदे की धज्जी उड़ाने पर उतर आए हैं। मायदा तो अपनी जगह मौजूद है ब्लैकी, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अरे क्या हुआ जो मेरे आदमी एक आधा दिन धंधा ज्यादा कर लेते हैं, 15 वर्षों में बहुत कुछ कमाया हम दोनों ने, अब बर्दाश्त कर। विक्टर, तुम ब्लैकी को खुद से कमजोर मत समझो, धंधा तीन तीन दिन बराबर होगा। मारा छी 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 छी, तय दोनों झाड़ू के तिनकों की तरह जुड़ के रहो, नहीं तो यहां टूट के बिखर जाओगे। हाँ, तुम्हें डॉन ने बुलाया है। हटाओ हाथ, मैं इस लड़की का बाप हूं, क्यों बुलाया है इसे डॉन ने? ए बुढ़े, टॉम से खुद बात कर। हाँ
अजनबी दिखाई देते हो बुड्ढे। हम बाप बेटे मुसाफिर हैं जी, सफर करते करते रात हो गई। यहां मस्जिद देखी तो सोचा कि ये मुसलमानों की बस्ती है, यहां हमें एक रात के लिए पनाह जरूर मिल जाएगी। बुड्ढे ते मस्जिद देख ली, मंदिर नजर नहीं आया है? ठाकुर आज इन्हें मंदिर की सैर भी करा देंगे। माफ करना जी, मुझे मालूम नहीं था यहाँ हिंदू और मुसलमान एक साथ बसते हैं। बस तो हम रहे हैं, मुस्लिम तो सिर्फ जी में हैं। बुड्ढे यहाँ तीन किस्म के इंसान बसते हैं, हिंदू मुसलमान और हम दौलत के पुजारी हैं। हमारा ईमान रुपया पैसा है। कहो हमारा तीसरा मजहब पसंद आया? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं मुसलमान हूं, एक शरीफ और गरीब आदमी हूं, भला मुझे तुम्हारी दौलत से क्या लेना देना। ओल्ड मैन तुम झूठ बोलते हो, तुमने अपनी पुश्त के पीछे हुसन का खजाना छुपा रखा है। जिसकी इतनी हसीन बेटी हो वो गरीब नहीं हो सकता। कमीने! धीरज महाराज धीरज, शेर पालोगे गोश्त तो देना ही पड़ेगा। Oh, my God.
ये हुई ना समझदारी वाली बात। शाबाश, खुदा जो विश्वास।
क्या बोलता है? चलें। चल कोई नवा ही आया सोना, मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लगते। गुलाब तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, बिल्कुल नहीं घबराना, तुम यहीं ठहरो, मैं ही छुप जाता हूं। शराब दो। एक ही ताश में से छह यके, ये कौन सी ताश है? लो जी लड़ाई शुरू। मेरी बार, ओ मेरी बार, ओ मेरे शीशे। जब से ये विक्टर और ब्लैकी कुत्ते के बच्चे यहां आए हैं ना, हर दो मिनट के बाद झगड़ा, फसाद, लड़ाई, गोली। खामोशी हो गई है, मेरा ख्याल है कि सारे मर गए हैं। विक्टर के सारे कुत्ते मर गए। मैंने कहा था ना आधे खतरनाक है। सर सारी बोतलें टूट गई हैं, सिर्फ ये अद्धा बच्चा है, इसे हम दोनों की तरफ से अपनी बहादुरी का तोहफा समझ के कबूल कीजिए, ये पीजिए और यहां से निकलने की कीजिए, क्योंकि अभी विक्टर का एक बूली कुत्ता शामून भी है, अगर सर वो यहां आ गया
तो हालात आपके हक में नहीं रहेंगे। प्लीज ये लीजिए और निकलिए। अभी फैसला हो जाएगा कि मुझे यहाँ रहना चाहिए या चले जाना चाहिए। मूसा तुम कौन हो? मूसा मैं जोजी, यार तेरे बचपन का दोस्त। जोजी? अरे मूसा, जोजी, मूसा, जोजी, मूसा, अरे यार तू कहाँ चला गया था? देख देख तेरे बाबा की बस्ती का क्या हाल हो गया है। लेकिन खुदा का शुक्र है यार तू तो जिंदा है। किस बात का शुक्र अदा कर रहा है जोजी? बाबा की मौत का, मेरा सारी जिंदगी थीमों की तरह गुजारने का, या फिर मेरी सारी खुशियां लुट जाने का, किस बात का शुक्र अदा कर रहा है? मूसा कैसी बातें कर रहे हो तुम? भूल गए हो कि तुम मुफ्ती आजम के बेटे हो? जोजी मारा। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, तुमने विक्टर के आदमी मार दिए, उसने गोलियों की आवाज सुन ली होगी, अब वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मेरे यार यहां से चला जा, अब ये बस्ती मौत की वादी बन चुकी है, निकल जा यहां से, निकल। गोली मत चलाना, हम दुश्मन नहीं, ब्लैकी के आदमी है, वो तुमसे मिलना चाहता है, हम तुम्हें लेने आए हैं। ये ब्लैकी कौन है? आओ, वेलकम वेलकम वेलकम। विक्टर के आदमियों का खून तुमने कश्मीरपुर की जमीन को पिला दिया, ये कोई मामूली बात नहीं। हाँ तुम्हारे निशाने की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। ना ज्यादा बोलने की आदत है ना ज्यादा सुनने की। बोलो मुझे यहां क्यों बुलाया? मत भूल कि तू इस वक्त डॉन ब्लैकी से बात कर रहा है। मैं बंदूक चलाने का आदी हूं, और याद रख अक्सर फाइट में तेरे भाई जैसे लोग बच जाते हैं और तेरे जैसे आदमी को पहले गोली लगती है। सॉरी मैं तारुफ करवाना भूल गया, ये भाई है मेरा भाई और इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। थोड़ा सा क्रेजी है, इसकी बात का बुरा मत मानना। हाँ बाय द वे क्या नाम है तुम्हारा? नाम नहीं काम। अपनी कीमत बताओ। मैं एक पेटी रोज पर काम करूंगा। मुझे मंजूर है। 1,00,000 रुपए रोज, ये रकम बहुत ज्यादा है। बोल रही बैग दो। अच्छा भाई ये 5,00,000 रुपए एडवांस, कल विक्टर का माल आ रहा है, वो माल विक्टर के पास नहीं हमारी गोदाम में होना चाहिए। तुम अपने गोदाम साफ करवाओ, माल तुम्हारे पास आ जाएगा। Thank you.
अब क्या ख्याल है तुम्हारा? I'm not afraid to die.
लूटा है हमारा माल। अब्बास, अब्बास, बॉस, हमारा सारा माल लूट लिया गया। वो कौन था, कहां से आया, कुछ नहीं पता। वो इंसान नहीं, चलावा था, चलावा। वो अचानक हम पर बिजली की तरह टूट पड़ा बॉस। वो हमारा सारा माल लूट के और हमारे सारे आदमी को मार के गायब हो गया सर। शामू, शामूर, ब्लैकी हरामजादे ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। आज हम ब्लैकी और उसके आदमियों को अपनी ताकत का नजारा दिखाएंगे जरूर, लेकिन पहले ये पता करो कि उसका वो नया साथी है कौन। कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा माल लूटकर ब्लैकी के गोदाम में पहुंचाया है। करोड़ों का माल है, लाखों देने का वादा करो तो माल तुम्हें वापस मिल सकता है। तुमने विक्टर के माल पर डाका डाला है, तुम्हारी सजा मौत है। मैं विक्टर से सौदा करने आया हूं, अगर वो अपने माल की वापसी नहीं चाहता तो फिर तुमसे बात होगी। साबुन, अपनी गन हटा लो। नहीं विक्टर, मैं किसी चूंटी को अपने जिस्म भरीने का मौका नहीं दूंगा। साबुन, बात करने दो, मुझे मेरा माल चाहिए। गने हटा लो, दिस इज माई ऑर्डर। की वापसी चाहते हो तो मेरा एक मशवरा है, ब्लैकी के भाई को अगवा कर लो। मुझे यकीन है कि वो अपने भाई की जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारा माल वापस कर देगा। गुड, अच्छा मशवरा है। विक्टर, मैं इतना बेवकूफ नहीं, उसने अपने भाई को किसी महफूज मकाम पर भेज दिया होगा। और वो महफूज मुकाम कहाँ है ये उसके अलावा सिर्फ मैं जानता हूं। मशवरे की फीस 50 लाख, अगर तुम चाहो तो मैं उसके भाई को अगवा करके तुम तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन उसकी फीस अलहदा होगी। आज रात ब्लैकी का भाई अपने बिस्तर पर नहीं सोएगा। से कह दो विक्टर का माल देकर अपने भाई को ले जाए। भाई को उठाकर ले गया और तुम लोग मुंह देखते रह गए। नहीं, नहीं, नहीं। गुल्ली, मेरा भाई सनी, विक्टर से कहो हम उसका लूटा हुआ माल वापस करने के लिए तैयार है, मगर हमें हमारा भाई चाहिए। भाई मिल जाएगा भाई, और माल भी नहीं देना पड़ेगा। वो कैसे? इसका हल है मेरे पास,
लेकिन मशवरे की फीस 50 लाख होगी। मुझे मंजूर है, मंजूर है, जल्दी बताओ। शामून बट्टे की ताकत और सारा शामून की कमजोरी। शामून की कमजोरी विक्टर की कमजोरी बन सकती है। समझ गए ना? दोसक से बाहर निकालना है जहां रूह जलती है, मगर जिस जिस बेजा होते हैं। लेकिन अब हम कहां जाएंगे? चुपचाप सो जाओ, कुछ देर बाद हमें अपनी मंजिल की तरफ सफर करना है। अपने हम सफर का नाम पूछ सकती हो? नाम जानकर क्या करोगी? ए शेरू, ध्यान रखना। बहुत कम बोलते हो। ज्यादा बोलने वाले को पहले गोली लगती है। लेकिन मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सो जाओ। कैसे सो जाऊं? मुझे भूख लगी है। गोली चला देगा, गोली ना चलाना। मैं हूं जोजी, गोली मत चलाना। जोजी रोटी तुम्हारे लिए, खा। आहा, तुम ठीक हो गई हो? हाँ। तुम्हारा जख्म ठीक हो गया? हाँ, अब ठीक हूं। इसका मतलब है कि तुम ये मुर्गी खा सकती हो। मुर्गी से मुझे याद आया, पहले मैं हिंदुओं का खाना चुराने लगा था, फिर मैंने सोचा कहीं ये सूर टिंडे ही ना पका हो, इसलिए मैंने किसी की मुर्गी जबन ग्रैटू की, फिर इसे जबा किया और पका के तुम्हारे लिए ले आया हूं। 2 दिन से तुम दोनों ने कुछ नहीं खाया, चलो खाना खा लो। जो जी, इसे खाना खिला, बहुत भूखी है। अच्छा अच्छा, खाना शुरू करो। ये क्यों नहीं खाता? ये गुस्सा खाता है। इसका नाम क्या है? एक शर्त पे बताऊंगा, इसे बताना चले कि नाम मैंने बताया। क्यों? इसलिए, ये नहीं चाहता कि कोई इसका नाम जाने। लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नाम मूसा है। और ये कश्मीरपुर के मुफ्ती आजम शहीद का बेटा है। खाना खाओ जो जी।
हाँ जी जरा खाना खा लो। नहीं मुझे भूख नहीं। तुम खाओ मैं आता हूँ। मुसाब ये लड़की तुम्हें बड़ा देखती है, तुम भी कभी प्यार से बात कर लिया करो। अच्छा यार मुझसे सबक ना सीख, अपने शेरों से ही सबक सीख ले। उधर वे खाने की अन्नी पाई है। आदमी पर कभी ब्लैकी ने इतबार नहीं किया सनीम, अगर लेन देन में पक्का रहा तो ठीक, नहीं तो उसे गोली मार दो गोली। ओके वेल डन वेल डन। मुझे यकीन था कि तुम कामयाब लौटोगे। अब विक्टर को मेरा भाई वापस करना ही पड़ेगा, इसलिए कि तुम शामून की जान लेकर आए हो और शामून की जान के बदले विक्टर अपनी जान भी दे सकता है। ये क्या कह रहे हैं मुसा? वही जो तुमने सुना। पैसा ये क्या कर रहे हो? ईमान है, एक मुसलमान के सीने से शैतान ईमान नहीं निकाल सकता। बोलो तुम्हें काफिर कहूं मुनाफिक समझो या मुसलमान? इंसान होकर हैवान न बनो, अपनी रगों में दौड़ते हुए खून को पहचानो। मत भूलो कि तुम उस मुसलमान के बेटे हो।
दौलत में फंसा ये बंदा मुफ्ती आजम का बेटा नहीं, भाड़े का कातिल है। इसका ईमान भी दौलत और इसका गॉड भी दौलत। नहीं, अगर आज का मूसा दौलत के बाजार में बिक गया तो फिर फरियानियत के सिवा कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। मेरा ईमान है कुरान पाक सीन से भटके हुए इंसानों को सीधा रास्ता दिखाता है। आज मैं इन काफिरों के सामने तुम्हें तौहीद का ऐलान सुनाती हूँ, वो ऐलान जिसकी पाक गूंज से तुम्हारे कान नाचना हो चुके हैं। वो ऐलान जो आजम शहीद परसों मिंबरे हक पर बैठकर कश्मीरपुर के मुसलमानों को सुनाता रहा।
इब्ने आदम, इब्ने आदम, एक तेरी जात है, एक तेरी जात है, एक मेरी जात, मेरी जात, मेरी जात, पर होगा वही, पर होगा वही जो मेरी जात है, जो मेरी जात है, जो मेरी जात है। बस अगर तूने अपने आप को, तूने अपने आप को, तूने अपने सपुर्द कर दिया उसके, सपुर्द कर दिया उसके, जो मेरी जात है, जो मेरी जात है, जो मेरी जात, तो मैं बख्श दूंगा तुझको वो, मैं बख्श दूंगा तुझको वो, मैं बख्श दूंगा जो तेरी जात है, जो तेरी जात है, जो तेरी जात, पर अगर तूने नाफरमानी की उसकी, नाफरमानी की उसकी, जो मेरी जात है, जो मेरी जात है, तो मैं थका दूंगा तुझको, मैं थका दूंगा तुझको, जो तेरी जात है, जो तेरी जात है, जो तेरी जात, फिर वही होगा, फिर वही होगा, फिर वही, जो मेरी जात है, जो मेरी जात है, जो मेरी जात, तो मूसा नहीं मारा करते हैं। लेकिन अब तुम्हें कौन बचाएगा? वही जिसने आज तक मुझको जिंदा रखा। अरे तू पागल हो गया मूसा, हम इतने सारे और तू अकेला क्या करेगा? अल्लाह अकबर की छांव में खड़ा हुआ एक भी मुसलमान, एक नहीं एक लाख होते हैं। Thank you.
सायरा कहाँ है? सायरा कहाँ है? मूसा सायरा को ले गया। मूसा चाहे 100 साल गुजर जाए उसको ढूंढते ढूंढते तुम्हें आसमान फाड़ना पड़े चांद सभी उसे ढूंढ के लाओ अगर वो ना मिले तो वापस ना आना वरना एक भाई को मारते हुए शमून को कोई दुख ना होगा जाओ अच्छी जगह है ना सिर्फ अच्छी नहीं बहुत ही अच्छी लगता है खुदा ने छोटी सी जन्नत जमीन पर उतार दी है काश मेरा छोटा सा घर होता यहाँ सिर्फ तुम्हारा यहाँ मेरा भी हम दोनों का सच लेकिन पहले तुम्हें बुराई का ये लिबास उतार कर शराफत का लिबास पहनना होगा और हाथ से बंदूक फेंककर मजदूर की कुदाल उठानी पड़ेगी जीना मेरे दिल की रानी तू
मेरी खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर, बिन तेरे कैसी यार, वो जीत हो या हार, तेरे संग है सब कुछ, तू ना हो तो बेकार, बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। सांसों का सरगम, तेरी खुशबू, तेरी प्रीत, याद आए मेरे मीत, जो तुझ पर लिखे थे वो सारे मेरे गीत, सारी खुशियां सपने मेरे हैं तेरे साथ, बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। मेरा बनना सवरना, तुझे कहना ओ सजना, मैं कैसी लगती हूँ तुझसे पूछना, गालों पे हाथ रखे तेरी बातों को सुनना, मेरी आँखों पर आना तुझको प्यार, दिल तेरे क्या है जीना, दिल तेरे क्या है जीना, दिल तेरे क्या है जीना, बातें हर आहट पे चौंकूं, तुझको हर सू देखूं, तुझको हर दम सोचूं, तुझको हर पल चाहूं, तेरे बिन तो जीवन मेरा है इंतजार, चलो देखो कितनी मेहनत के बाद तुम अपने ख्वाब की तबीयत देख रही हो। मूसा, हम दोनों मुसलमान हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए शादी के बगैर औरत और मर्द एक छत के नीचे एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन अब हम क्या करें? इससे पहले कि कुछ हो जाए मैं तुम दोनों का निकाह खुद पढ़ाऊंगा। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। शर्माना मेरा हंसे वो सांसों में, होठों पे ना 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 मस्ती वो आँखों में, तेरे मेरी आँखों में बीते सारी रात, बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, क्या है जीना, बिन तेरे क्या।
पूछ रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हें नमाज पढ़ता देखकर मुझे अपना माजी याद आ गया। मैं भी अपने बाबा के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ा करता था, लेकिन वक्त की धूल में मेरा सब कुछ गुम हो गया। तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे पास है, सुकून चाहते हो तो नमाज पढ़ा करो। लेकिन मैं तो नमाज भूल चुका हूं। नमाज कभी नहीं भूलती, बस बुराई से दूर चली जाती है। खुदा का हुक्म है, नमाज कायम करो। नमाज की नियत करोगे तो ये खुद तुम्हें तुम्हारे भूले हुए रास्ते दिखाएगी। वादा करो। मेरी कसम खाओ, मैं रहूं ना रहूं, तुम नमाज कभी कजा नहीं करोगे, कभी नहीं। वादा करता हूं कि सांस की डोर टूटने से पहले अगर नमाज का वक्त आ गया तो मैं पहले नमाज अदा करूंगा और मौत से कहूंगा कि ठहर जा, मेरा इंतजार कर। भूख लगी है? मैं नाश्ता बनाती हूँ और तुम दूध लेकर आओ। दूध? क्या हुआ? कुछ नहीं। दूध वो? हाँ हाँ, भैंस का दूध ही तो धोना है ना, इसमें इतनी क्या बड़ी बात है। मैं जाता हूँ, तुम अंदर नाश्ता बनाओ, मैं अभी आता हूँ। मूसा का साथी चौधरी बस्ती में लौट आया है। जा उस हराम जादे को मेरे पास लेकर आओ। उस हराम जादे की रगों में दौड़ता हुआ खून मुझे मूसा के पास लेकर जाएगा। जाओ। मूसा कहाँ है? हर दौर का फिरौन यही सवाल करता है कि मूसा कहाँ है। नहीं, 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 मत मारो इसे, मेरी जान ले लो, मेरे चोजी को मत मारो। नहीं बताएगा तो? बताता हूँ मूसा का पता, बताता हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जोजी, मिलने दे से अपने यार को आखिरी बार। आज इज्जत और जिंदगी को ईमान के तराजू में तोल कर देखो। मैं तो इस फिरौन को मूसा का पता कभी ना बताऊं, अगर बता भी दूं तो ये पहले तुम्हें मेरी आंखों के सामने लूट लेगा। गुलाब, मुसलमान हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अब बोलो, इज्जत चाहती हो या जिंदगी? इज्जत। तो फिर खुदा हाफिज। जाओ जल्दी से मरहम लेकर आओ। जी बेटा। उठो जोजी, उठो।
था। ये क्या अनहोनी हो गई मेरे बच्चे, मुझे बता बता मुझे। खुदा को मुसलमानों की यही अदा तो पसंद है वो बाबा। अगर आज मुफ्ती आजम का बेटा मूसा जिंदा होता तो इस फिरौन के जुल्म की तमाम जंजीरें तोड़कर हम सबको आजाद करवा कर ले जाता। अबू बाबा मूसा मूसा जिंदा है, मूसा जिंदा है। बेटे मुझे यकीन था कि मेरा अल्लाह मुसलमानों की मदद जरूर करेगा। बस बस मौलवी मुफ्ती आजम का बेटा मूसा हमें रिहाई दिलाने के लिए जरूर आएगा। अब मूसा नहीं आएगा अबू बाबा, कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा? इसलिए कि उसने अपने हाथों से तबाही के तमाम हथियार फेंक कर सपनों का हाथ थाम लिया है। मैंने उसकी आंखों में जीने की वो आरजू देखी है जो जिंदगी बनकर उसके चेहरे पर आ गई है। अबू बाबा मैं उसका दोस्त हूं, उससे उसके सपने छीनकर उसे मौत के जिंदानों का रास्ता नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा सकता, नहीं। तेरी ये कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाएगी बेटा, इसलिए कि ईमान वालों का ईमान नगर मजबूत हो तो मूसा बुलवाया नहीं। खाना खाओ, खाते क्यों नहीं?
रहा हूं। क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या कह रही हो तुम? मैं अभी आता हूं। बात सुनो। आ रहा हूं। पहले मेरी बात सुनो। अगर बारिश शुरू होगी तो सब कुछ भीग जाएगा। मेरी बात तो सुनो। सुनो तो मेरी बात। चप्पल बोलनी चाहिए। पहले मेरी बात तो सुनो। तुम बाप बनने वाले हो। ओ, ओ, क्या कह रही हो तुम? कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है। बोलो। समझाया है कि तुम जैसे बहादुर शराब और शबाब के नशे में मारे जाते हैं। भूल जाओ सायरा को, भूल जाओ। भैया तुम पागल हो गए हो। Me
अजान की माँ, मैं जंगल से लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। बाबा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। क्यों? तो मेरे साथ क्यों जाओगे? हैं? उफ बाबा, अगर कोई जंगल में शेर आ गया तो आप डर जाओगे। इसे मेरा आपके साथ जाना बहुत जरूरी है। अरे नहीं मेरे डार्जन, तू मेरे साथ नहीं जाएगा। नहीं बाबा, मैंने भी आपके साथ जाना है। इसे साथ ले जाओ मूसा, बाद में मुझे तंग करता रहता है। चल अब तो तेरी माँ ने भी कह दिया, चल। और हाँ, शाम होने से पहले लौट आना।
السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو نو سو چوہے کھا کر بلی آج کو چلی آپ لوگ کون ہیں اور کسے ملنے آئے ہیں ہمیں شامون نے بھیجا ہے ہم تجھے ملنے نہ آئے لینے آئے ہیں موسیٰ لیکن چپ کیا لیکن کہہ رہا تیرے ہر سوال کا جواب شامون نہیں دے گا اب چپ چاپ ہمارے ساتھ چلاؤ ہاں تو بابا میں ان کو بتاتا ہوں کہ بیٹے کے سامنے باپ کو تھپا مارنے کا کیا انجام ہوتا ہے نہیں حسان ہمیں جھگڑا نہیں کرنا ہے بیٹا یہ لوگ ابھی سمجھ جائیں گے شیرو حسان کے ساتھ رہنا کچھ بھی ہو اس کے ساتھ رہنا اکیلے نہیں چھوڑنا دیکھیے بھائی صاحب آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے آپ ارے بھائی صاحب آپ لوگوں کو آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے جس موسیٰ کی آپ کو تلاش ہے وہ تو کب کا مر چکا ہے مان جا موسیٰ تیرے گھر میں تیری بیوی قید ہو چکی ہے اگر نہیں مانے گا تو ایک دھماکہ ہوگا تیرا سب کچھ ختم ہو جائے گا سائرہ تیری سائرہ اندر ہے سائرہ Thank you.
ये सब क्या हो गया मूसा? सब कुछ खत्म हो गया चोची, मूसा का सब कुछ जल गया। शामून के भाइयों ने मेरी सायरा को मार दिया। तू आया क्यों नहीं दोस्त? कहां था तू? ये क्या हो गया जोशी? ये क्या हो गया? मैंने तुमसे झूठ बोला था कि कश्मीरपुर में अमन इस्लाम और मुसलमान आजादी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने तुमसे गलत कहा था कि मुफ्ती आजम का ख्वाब पूरा हो चुका है। अरे हकीकत तो ये है कि कश्मीरपुर में हिंदुओं ने पैदा हुए हर मुसलमान बच्चे के कानों में अजान नहीं बारूद उतारा है। उन्होंने मस्जिदों को शहीद नहीं, उन पर ताले लगा दिए हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें देखकर उनकी हर उम्मीद टूट जाए। लेकिन आज 5 बरस के बाद उन सब की टूटी उम्मीदें इकट्ठी करके मैं तुम तक पहुंचा हूं। वो हर नमाज हर दुआ के बाद अल्लाह से एक ही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हाँ परवरदिगार कोई मूसा भेज। जंदान की तरफ जाओ। से मायूस होकर एक गुनहगार ने यह लॉकेट अपने गले से उतार दिया था। आज उसकी रहमत का यकीन करके फिर से पहन लिया है। यूं समझ लो इस गुनहगार को उस रहमान ने बख्शीश का एक और मौका दिया, एक और मौका दिया। जरूर आएगा बाबा।
मुझे जहाज की इजाजत दो बाबा। मैंने और मेरे अल्लाह ने तुझे जिहाद फी सबील अल्लाह की इजाजत दी बाबा। चलो बेटा, अल्लाह की राह में लड़ने और मरने का वक्त आ गया है, तैयार हो जाओ। खुला दरवाजा देख के मुझे यकीन था यहां मूसा के सिवा कोई नहीं आ सकता। मैं सब कुछ भूल के हमारे साथ मिल जा मूसा, हम थारे और थारे पुत्र की जान बख्श देंगे। ठाकुर, हर मुसलमान अपने बेटे को गाजी या शहीद के रूप में देखना चाहता है। आज मैं और मेरा बेटा जहाद फी सबीलिल्लाह के लिए सर पर कफन मान कराए। मान जा बालक, मान जा। मोरख, थारा बापू भी थारी तरियो बावला था, जिद्दी था। जिद्दी नहीं थे ठाकुर, मुसलमान थे, मुसलमान। मुसलमान था परंतु बुद्धिमान नहीं था, उसने अपनी राह नहीं छोड़ी, इसलिए हमने उसकी हत्या कर दी, मार दिया उसे। बंदर, शहीद कभी मरते नहीं। देख, आज मुफ्ती आजम के रूप में मूसा और मूसा के रूप में अजान तेरे सामने खड़ा है। तय अपने बप्पू का रास्ता छोड़ के मारे साथ मिल जा, थारो मारो झगड़ो अविश खत्म हो जाएगा। ठाकुर, ये राम और रहीम के मानने वालों की जंग ना कभी खत्म हुई, ना कभी खत्म होगी। अल्लाह जी, ये भगवान के लिए मुझे भी अपने साथ लेते जाइए। या मारो, मुझे अगले जन्म पैदा करना तो किसी मुसलमान के घर पैदा करना, वो इसलिए कि अगर मैदान लग जाए तो ये अपने साथियों को छोड़कर भागते नहीं है। मुझे बचा ले राम, मुझे बचा ले। हिंदू, तू राम राम करता जा, मैं अल्लाह अल्लाह कहता जाऊंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
अल्लाह तुम नमाज कायम करो, मैं जहाद मुकम्मल करता हूँ। याद करो बाबा, आपने मामा को कॉल दिया था। अजान, तू बहुत छोटा है बेटा। बाबा मैं तो बहुत छोटा हूँ, लेकिन मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। बेशक, लेकिन बेटा आपको मेरी कसम है बाबा, आप नमाज पढ़े। जा बेटा, तुझे परवरदिगार के सुपुर्द किया। मुर्शिद मेरा मेरा माहिया तू, मेरी जिंद जान तू, मेरा राजदान तू, मेरी जिंद जान तू, मेरा राजदान तू। मुर्शिद साया बड़ा मेहरबान तू अला, मुर्शिद साया बड़ा मेहरबान तू अला, मुर्शिद साया बड़ा मेहरबान तू। सोनिया मेरे ढोल माहिया, भवल्ला वे सोनिया मेरे ढोल माहिया। आसर में हो गया, आसर में हो गया, ओ मेरे ढोल माहिया, भवल्ला वे सोनिया मेरे ढोल माहिया।
भी सुन।